इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता है कि जी इस टीम की बैटिंग बहुत तकड़ी है, यहाँ पर 8 नंबर तक बल्लेबाज है, लेकिन ये 8 नंबर की बल्लेबाजी तभी काम करती है जब पिच पे स्विंग ना हो रहा हो। जहाँ गेंद स्विंग होने लगती है वहाँ पर हम सभी ने देखा है क्या होता है, चाहे 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में 36 पे ऑल आउट हो, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच हो जहाँ पे शुरू में गेंद स्विंग होती है, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स हो, और या फिर अब इंडिया में बेंगलोर के में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हो, न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बता दिया कि जी आपकी बैटिंग बहुत मजबूत है, लेकिन ये बैटिंग मजबूत तब तक है जब तक गेंद स्विंग नहीं होती, बॉल बैट पर सीधे सीधे आती है या फिर थोड़ी बहुत स्पिन हो तो भी आपके बैट्समैन रन बना लेते हैं, जहां पर गेंद बहुत ज़्यादा टर्न होना शुरू होती है या फिर बहुत ज़्यादा स्विंग होना शुरू होती है आपके बैट्समैन घुटने टेक देते हैं। और ये रियलाइजेशन है उन लोगों के लिए जो आज की जनरेशन के बैटर्स को सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जी ये बल्लेबाज ज़्यादा रन बनाते हैं, वो कम बनाते थे। उस वक्त बॉल और बैट के बीच में कॉन्टेस्ट होता था लगभग हर मैच में, आज 10 में से कोई एक मैच होता है जहां पर गेंद स्विंग या बहुत ज़्यादा टर्न होती है, और यही कारण है कि जब भी ऐसा होता है तो आप देख लीजिए इन इंडियन बैट्समैन की हालत क्या हो जाती है। एक बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो स्विंग खेल पाए, हल्की सी गेंद हिलती है और ये नाचने लगते हैं विकेटों के बीच में, इनको समझ में नहीं आता कि गेंद कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, और अगर उस बीच में रिवर्स स्विंग होने लगे तो ऐसा लगता है कि गली क्रिकेट वाले बिठा दिए हाथ में बल्ला लेकर। जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड जब बैटिंग कर रही थी तब भी गेंद स्विंग हो रही थी, हालांकि उतनी नहीं हो रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड को स्विंगिंग कंडीशंस खेलने की आदत है तो उनके बल्लेबाजों ने अच्छा खेला। हाँ, सीरीज इंडिया की टीम जीत जाएगी, बाकी के 2 टेस्ट मैचों में एकदम रैंक टर्नर तैयार होंगे जहाँ पहले दिन से गेंद टर्न होगी, पहले ही दिन 8वें 10वें ओवर में आप देखेंगे कि बॉल पिच पर पड़ी और पिच पर से धूल उठ रही है, अश्विन जडेजा पूरी टीम को ऑल आउट कर देंगे। लेकिन ये नाकाम है कि भारतीय बल्लेबाज स्विंग नहीं खेल पाते, सीरीज जीत के पीछे नहीं छिप सकती, और यही कारण है कि जब भी विदेश में वर्ल्ड कप होता है तो वहाँ पर जैसे ही इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल पहुँचती है पीछे तैयार कर दी जाती है स्विंगिंग कंडीशन वाली, और इंडिया का स्कोर बोर्ड हो जाता है 8-9 रन पर 3-4 विकेट। अब देखने वाली बात होगी इंडिया के बैट्समैन इस चीज़ से रिकवर कर पाएंगे या नहीं, और वो अपनी बल्लेबाजी को सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, जिनके बराबर में इनको खड़ा किया जाता है, जिनसे बढ़िया इनको बल्लेबाज बताया जाता है, उनकी तरह स्विंग गेंदबाजी कब खेल पाएंगे ये देखने वाली बात होगी, या फिर कभी खेल भी पाएंगे या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।